सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे भी हैं कमेंट करके बताइए गाइज। और आज हम लोग आ रखे हैं काफ़ी समय बाद नोवो में, और पब्लिक आ रखी थी, काफ़ी मज़ा आने वाला था, और साथ में है शहजादी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आई थिंक ये सीज़न का लास्ट मैच होगा, क्योंकि मे भी कल मेरा एग्ज़ाम है, तो कल तो मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा, तो शायद लास्ट मैच ही होगा। तो लैंडिंग काफ़ी ख़राब थी एक्चुअली, मॉर्निंग का दूसरा मैच था, तो वही कुछ सिचुएशन थे, और सारी पब्लिक भी उल्टा सीधा ही उतर गई थी। तो बंदे काफ़ी सस्ते सस्ते आए थे, मतलब सस्ते सब लोग, कोई बहुत प्यूरो प्लेयर नहीं आए थे, सारे नॉर्मल प्लेयर ही आए थे, और बड़े आराम से सबको मार दिया गया। और इस गेम में भी किल नहीं, मतलब किल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ते तोड़ते रह गया। एक्चुअली बॉट ने मेरी किल चुरा ली, वरना तो इस सीज़न का रिकॉर्ड टूट गया था। बट कोई बात नहीं, अपने को M4 और बैरल मिल गई है, और लेवल 2 का हेलमेट मिल गया है। तो जो भी लूट वगैरह मिल गई है उसको उठा के चलते बंदों पे पुश करने, वरना सब आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे और किल वगैरह नहीं मिलेगी हमें। तो एक बंदा जंप करता है, जंप करते हुए दिखता है, सीधा नॉक करता हूँ उसको। तो इधर एक बॉट रहता है, तो बॉट को भी मैंने नॉक कर दिया है, और इनका टीममेट पीछे से शॉटगन पटका रहा था भाई साहब। इसको फिनिश किया मैंने, और फिनिश करने के बाद इसकी लूट वूट लूट रहे थे, और यहाँ पे मैं फंसा जाता हूँ। मैं बोलता हूँ अरे क्या सीन है भाई, यहाँ मत गलत सीन करो। चलो तो माहौल ही बन रहा था वहाँ पर, कुछ क्या बताएं आपको। तो इनका दूसरा बंदा आता है कवर देने के लिए, वो नॉक होता है। तीसरा बंदा वहाँ पे होता है टेरिस पे, बालकनी में, जो भी सीन था उसका। इनके पूरे 4 बंदे होते हैं, चारों अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो भाई कब खतरनाक नाम रखे हैं। तो सीन कुछ माहौल बन रहा था यहाँ पे किल वगैरह का, और एक बंदा ऊपर बिल्डिंग में कैंप करके रखा है, बैठा हुआ है कैंप करके, तो उसकी भी पेटी बनानी पड़ेगी। मैं सीधा अंदर नहीं जाता, थोड़ा सा फ्लैंक वगैरह मार के जाता हूँ। तो सीन बहुत ही ख़राब था, माहौल बहुत ही ख़राब था। ख़राब इसलिए था बिकॉज बहुत सस्ती लूट थी भाई पे। अब देख सकते हैं कट्टा उट्टा लेके भाई, क्या बताया जाए। अब एक बंदा ऊपर था, इनका आखिरी बंदा, और वो भाई साहब बहुत ही तगड़ा कैम करके बैठा था, मतलब बहुत सटीक पोजीशन पे था। देखो आप, भाई उसके हाथ में शॉटगन था, और एक फटका, कौन सी शॉटगन थी, तगड़ी वाली, दो नली, एक गोली बंदा नॉक होता है, वो वाली शॉटगन थी। अगर पड़ जाता तो दिक्कत हो जाता। तो मैं यहाँ से लूट उठ करके आगे बढ़ता हूँ, आगे और बंदे थे तो नोवो को पूरा क्लियर करना था। यहाँ पर एक बॉट रहता है, पता नहीं बॉट था बंदा था, आई डोंट नो, प्राउड टाउन आई थिंक बॉट था। तो इसको ही फिनिश कर दिया गया है, और इसकी लूट वगैरह खतिया ली गई है। आई थिंक ये बॉट लॉबी थी शायद, काफ़ी सारे बॉट आ रहे थे, ऐसा नहीं कि ये मतलब कि और कोई बॉट था, एशियाई था सर्वर, एशियाई था, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि सर्वर को दूसरा बदल के खेल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंदा भाग रहा था, और बंदे को मैंने नॉक कर दिया, उसके पूरी स्क्वाड वहाँ पे है। तो अब इन लोग से फ़ाइट ली जाएगी, और इन लोग की पीटी बनाई जाएगी। तो भाई TPP लेके वहाँ पे वेट कर रहे थे मेरा, कि मैं आऊँ और मेरी पेटी वो बना दें, बट TPP हम भी ले रहे थे, तो हमको ही पता था पोजीशंस वगैरह सबकी, तो इस वजह से मेरी पेटी वो नहीं बना पाया, और मैंने उनकी पेटी बना दी। फाइनली एक और बॉट आता है, और इसको फिनिश कर देते हैं। तो अपने में फ्लेयर गन वगैरह है, और फ्लेयर गन को यूज़ करेंगे, और भाई साहब फ्लेयर गन
यूज़ करते हैं तो मिलती है भाई साहब अपने को फ्लेयर गन में क्या मिलती है, AWM मिलती है और AUG मिलती है। तो AUG तो नॉर्मली वे में चलाते हैं जल्दी हम, तो AWM को उठा लेते हैं और फिनिश कर देते हैं इस बॉट को भी। तो वही बता रहे थे काफ़ी सारे बॉट्स आ रहे थे और बॉट के वजह से मेरी एक किल चोरी हो गई जिससे मेरा रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया, अभी आपको दिखने वाला है गाइस यहीं पे। तो ओम मिल गई है और M4 अपने पास, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे। इसका दूसरा बंदा लेफ्ट से आता है जंप वम्प करते हुए और नॉक करता हूँ। और भाई साहब किल बॉट लेके चला जाता है, देखो आप क्या सीन थे, गलत ही एक सीन बन गया यहाँ पे। मैं बोला तुमको तुम्हारी पेट तो पक्का बना दूंगा भाई, पहले तुमने किल कैसे चुरा दिया। और एक आखिरी बंदा बचा जो कैम करके बैठा, वो ऊपर बैठा हुआ है AKM में सप्रेसर लगा के साथ। तो AKM में सप्रेसर लगा के भाई वहाँ पे लेट के मार रहे थे, बट यहाँ पे एटेक्स वगैरह भी मिल गया अपने को, तो अब दिक्कत की बात नहीं है। अब जो भी लूट थी वहाँ से लूट करने के बाद हम लोग आगे आते हैं, बंदे लूटते हैं, बंदे मिलते नहीं, तो यहाँ फार्म साइड पे यहाँ बंदे होते हैं। एक बंदा मेरे पे स्नाइपिंग कर रहा होता है SKS के थ्रू, तो अपने पे AWM थी और वैसे ही मुझे भी उनका एक फटका पड़ता है, मैं भागने लगता हूँ। मैंने कहा भाई हटो, ऐसा ना हो कि माहौल ही ख़राब हो जाए अपना। तो फर्स्ट एड किट वगैरह यूज़ करता हूँ और वेट कर देखता हूँ ओम वाला किधर था भाई साहब, तो ओम वाला मुझे दिखता ही नहीं है। तो ये बंदा रिवाइव होने के लिए ओम वाले के पास जाता है, मैंने बोला अच्छा भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, जॉल एक्सपेक्टेड करो आप ओम वाले को, कैसी स्नाइपिंग करते हैं उनसे सीखो। सस्ती स्नाइपिंग उसकी थी, मेरे पे एम ले सकता था, वो हेड मार सकता था। तो फाइनली वहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ से निकलो, क्योंकि पोजीशंस नहीं पता ओम वाले की, तो AWM का फटका पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जंप वम्प करते हुए आगे बढ़ता हूँ, तो जोन आने वाला होता है गाइस, और जो बंदे पीछे थे वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं बस जोन का वेट कर रहा था कि अभी जोन आएगा तो अभी जो पीछे से AWM वगैरह पटका रहा था भाई वो भी निकलेगा शायद। तो इंतज़ार करते करते भाई साहब यहाँ पे ये लोग निकलते हैं और देखो भाई क्या ही शॉट पड़ेगा। तो एक बंदे को मैंने वहाँ पे नॉक किया, अभी एक और बंदा अलाइव है वहाँ पे, तो आई थिंक जिसको मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हुआ, आपने न्यूज़ किल फीड में देखा होगा, वो रिवाइव होके प्ले जोन से नॉक हो गया भाई। तो इस बंदे ने बहुत गलत किया रिवाइव करते हुए, तो फाइनली यहाँ पे 17 किल हो गए थे अगर उसको रिवाइव ना करता भाई ये। अरे खुद जोन में आते भाई, तुमने इधर 2 किल बर्बाद कर दी मेरी। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गाड़ी ठुक ठुक जाती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी रोक देता हूँ, मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई सांप सूप बना होगा, वैसे ही पता है सांप से कहाँ फाइट ले मिलेगा। तो शहजादी मार्क करती हैं यहाँ पे अपने राइट साइड, कोई बंदा एनिमी स्पॉट होगा, तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है देखते हैं। और जब तक देखने जाते हैं तब तक AUG से किसी ने उसको फिनिश कर दिया। मैं बोलता अरे यार फिर से वहीं अटक गए 19 किल पे, लग रहा है इस सीज़न में 19 ही किल हो पाएंगे। तो ड्रिंक वगैरह थी अपने पे, बूस्ट वूस्ट कर रहे थे अपन और उस एनिमी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो जोन में आए और उसका टकला फोड़े। तो इस गेम में स्नाइपिंग काफ़ी परफेक्ट हो रही थी, बहुत ही परफेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से कोई एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं बोला तो चलो वहीं पे चलते हैं। और हमारे स्वाहा भाई बोल रहे थे कि यार क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो। तो भाई एम करके बैठे थे और भाई का टकला फोड़ दिया,
फाइनली 19 किल गाइस, काफ़ी मज़ा आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच भाई लोग, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाइयों, बाय बाय, टेक केयर।